मेंथा। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंथा के बारे में। मेंथा को हम मिंट के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले आ जाता है इसका बायोलॉजिकल सोर्स। मेंथा को ऑप्टेन किया जाता है फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ मेंथा पिपरेटा। मेंथा पाइपरेटा असल में प्लांट का नेम है, साइंटिफिक नेम है। इसकी फैमिली की बात करें तो फैमिली है इसकी लेबिएटी। आगे बात करते हैं, आगे है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी ऑफ मेंथा सबसे पहले आता है कलर, कलरलेस कलर जो है इसका वो है कलरलेस और येल्लो। ऑर्डर की बात करें तो प्लीजेंट ऑर्डर है। टेस्ट की बात करें तो पंजेंट टेस्ट है, प्लस में कूलिंग सेंसेशन देता है। जो भी मेंथा को खाता है उसको कूलिंग सेंसेशन मिलती है माउथ में। इसके बाद आगे है इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो देखो, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो मेंथा के अंदर जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है पेपरमिंट ऑयल। पेपरमिंट ऑयल हमारा मेनली बना है एल मेंथोल का, 70% एल मेंथोल प्लस मेंथोन, मिथाइल एसिटेट, ये भी पेपरमिंट ऑयल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नीचे मैंने स्ट्रक्चर दे रखा है मेंथोल का। मेंथोल का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। आपको याद रखना है इसमें 6-मेंबर्ड रिंग है, जिसमें एक मिथाइल ग्रुप ऊपर की तरफ लगा हुआ है और आइसोप्रोपाइल चेन हमारी नीचे की तरफ लगी हुई है, और एक है इसमें OH ग्रुप, ठीक है, एल्कोहल ग्रुप। इसीलिए ये है मेंथोल ऑल, यानी कि एल्कोहल की वजह से। इसके अलावा जो और केमिकल कॉन्स्टेंट्स हैं उसमें आते हैं टर्पिन्स। टर्पिन्स कौन से? एल लाइमोनिन, इसके अलावा साइनियोल, पाइनिन, कैम्फीन, आइसो प्यूलिजोन, ठीक है, ये सब इसमें पाए जाते हैं। आगे है यूजेस। यूजेस की बात करें तो मेंथा जो होता है वो असल में कार्मिनेटिव नेचर का होता है, और स्टिमुलेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है। एरोमेटिक नेचर भी होता है इसका, काउंटर इरिटेंट प्रॉपर्टी भी होती है, और फ्लेवरिंग एजेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के अंदर। तो ये थी बात हमारी मेंथा के बारे में।